तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपकी किसी कंपनी में न्यू ज्वाइनिंग हुई है और उस कंपनी में जाने के बाद आपने एक महीने या दो महीने या तीन महीने काम किया और वहाँ पे वर्क प्रेशर ज़्यादा है या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है या कुछ और भी प्रॉब्लम है और वहाँ से आप छोड़ना चाहते हो और कंपनी बोल रही नहीं कि आपको रुकना ही है, आपको प्रेशर कर रही है रुकना ही है, तो उस केस में आप क्या करोगे। तो बेसिकली होता क्या दोस्तों, जब किसी कंपनी में जाते हैं वहाँ पे क्योंकि या तो आप फ्रेशर होते हो या एक्सपीरियंस बेस्ड होते हो, आप सोचते हो कि नहीं मुझे इस तरीके का एनवायरनमेंट चाहिए, वर्क प्रेशर थोड़ा कम चाहिए, तो ये सारी चीज़ें आप अपने माइंड में चला रहे हो। तो जब किसी कंपनी में एंटर करते हो तो पता चलता है वहाँ पे एनवायरनमेंट कुछ और ही है और वर्क प्रेशर है वो कुछ और ही है, मतलब ओवर वर्क लोड है, ओवर वर्क प्रेशर है। तो उसके समय क्या करते हो, नहीं यार मुझे यहाँ रुकना नहीं है, एक महीने दो महीने या तीन महीने मुझे यहाँ से छोड़ना है। तो उस केस में आपको करना क्या दोस्तों, जब कंपनी आपको बोलती नहीं आप छोड़ के नहीं जा सकते, छः महीने के बाद ही जा सकते, एक साल के बाद ही जा सकते हो, कंपनी आपको बोलती है कि मैं आपके ऊपर इलीगल केस कर दूंगा या अगर आप यहाँ पे नहीं रुकते, तो दोस्तों उसमें दो कंडीशन होते हैं। अगर आपने किसी कंपनी को बॉन्ड या अग्रीमेंट साइन करके दिया है तो ही कंपनी आपको प्रेशर कर सकती है। अगर जिनका भी ये प्रॉब्लम चल रहा है या जिनके साथ ये हो रहा है उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों मैं बता दूं, अगर आपने कंपनी के लिए बॉन्ड या अग्रीमेंट साइन करके दिया कि हाँ मैं आपके यहाँ दो साल या एक साल रुकूंगा, तो मैंडेटरी है कि आपको वो एक साल या दो साल रुकना ही पड़ेगा, वो कैसा भी इन्वायरमेंट हो और कितना भी वर्कलोड हो वहाँ पे। अगर आपने कंपनी के लिए या आपने कंपनी से कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे अग्रीमेंट साइन नहीं किया है तो आप कंपनी को आज ज्वाइन करके कल छोड़ सकते हो या आज ज्वाइन करके तीन महीने बाद भी छोड़ सकते हो। वो भले ही आपको बोलें या कुछ कहें, डराएं धमकाएं, लेकिन उसमें नहीं आना है, क्योंकि अगर आपने अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है तो कोई भी कंपनी जो लॉ है, जो प्राइवेट लॉ है अपना या जो गवर्नमेंट लॉ है, वो बोलता है कोई भी कंपनी आपके ऊपर इलीगल केस या लीगल केस नहीं कर सकती है जब तक आपने किसी अग्रीमेंट पर साइन नहीं किया है। वो क्योंकि आप जिस कंपनी में ज्वाइन करते हो ना, ओपन सोर्स होते हो, आप कल भी छोड़ सकते हो, परसों भी छोड़ सकते हो, और कंपनी भी साफ साफ ये लिख के देती है कि आप जब चाहो तब छोड़ सकते हो या कंपनी भी आपको जब चाहे तब टर्मिनेट कर सकती है। बस आपने किसी डॉक्यूमेंट ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन ना किया हो जिसमें कंपनी ने ये मेंशन किया हो कि आपको एक साल या दो साल तक रुकना ही पड़ेगा। तो अगर कोई भी बोलता है, डराता है, धमकाता है कि नहीं आप इतनी जल्दी छोड़ के नहीं जा सकते, लीगल केस हो जाएगा या लीगल केस कर देंगे, HR टीम बोल रही है अगर आप छोड़ोगे तो लीगल केस हो जाएगा, तो उनसे डरने की ज़रूरत नहीं, उनसे बोलो कर दो, अगर आपको नहीं करना तो डायरेक्ट आप वहाँ से छोड़ के चले जाओ। बाकी आप पर डिपेंड करता है कि आप एक्सपीरियंस लेने के बाद आना चाहते हो या इंस्टेंट छोड़ना चाहते हो, ये सारे प्रोसेस है। बट आपको किसी से दबने की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो बस आई होप आप समझ गए होगे कि एक्चुअली में होता क्या है, क्योंकि वो सिर्फ आपको रोकने की वजह से ये सारे पॉइंट वहाँ पे बताते हैं, लीगल केस कर देंगे, यहाँ वो कर देंगे, FIR कर देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस अतः आपने किसी डॉक्यूमेंट्स पे साइन ना किया हो, किसी भी एग्रीमेंट पे साइन ना किया हो। तो आई होप आप समझ गए होगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नाम है शुभम, मैं मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट मोमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर।